बिग बिलियन डे बहुत ही नज़दीक आ चुका है और गाइस फ्लिपकार्ट ने जितने सारे ऑफर्स है लैपटॉप पे रिवील कर दिए हैं और भी बहुत सारे ऑफर्स देखने मिलेंगे कुछ दिनों बाद। गाइस बहुत सारे जो ऑफर्स है वो आउटडेटेड लैपटॉप्स पे यानी i3 11th gen i5 11th gen पे आपको ऑफर्स देखने मिल रहे हैं और 2023 में 11th gen लैपटॉप्स हम रेकमेंड नहीं करेंगे, गो फॉर एटलीस्ट 12th gen लैपटॉप्स। 13th gen पे उतने ऑफर्स नहीं देखने मिलेंगे, इसी वजह से जो सारे लैपटॉप्स हमने सेलेक्ट किए लिस्ट में वो 12th gen है या फिर राइजन की 5000 सीरीज के लैपटॉप है और 7000 सीरीज के लैपटॉप भी इंक्लूड किए। सो ये सारे लैपटॉप पे आपको भारी भरकम डिस्काउंट्स देखने मिलेंगे। अब गाइस जब भी हम अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो यूजुअली हम बेस्ट ऑफर चेक करते हैं, उसके बाद कुछ कूपन अप्लाई कर देते हैं और उसे खरीद लेते हैं, राइट। बट गाइस एक आसान तरीका बताना चाहूँगा जिससे आप कैशबैक भी पा सकते हो। आपको सिर्फ गो पैसा ऐप इंस्टॉल करना है, उसके बाद आप जो वेबसाइट से खरीदना चाहते हो अमेजोन फ्लिपकार्ट मिंट्रा अजियो या फिर किसी ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदना चाहते हो बोल्ट के तो उसे आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद शॉप नाउ ऑप्शन पे क्लिक करना है, उससे आपकी मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसी वो वेबसाइट ओपन हो जाती है आप गाइस बेस्ट डिस्काउंटेड प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो, उसके बाद उस पर क्रेडिट कार्ड ऑफर लगा सकते हो, फिर बाय कर सकते हो। उसके बाद गाइस आपको एक्स्ट्रा कैशबैक देखने मिलेगा गो पैसा अकाउंट में और उसे आप गाइस बैंक अकाउंट में अपने ट्रांसफर भी कर सकते हो। अब मैं नीचे गो पैसा ऐप के लिंक दे दूंगा, उस पर आप अगर क्लिक करके अभी साइन अप करते हो तो इंस्टेंट आपको ₹25 का वेलकम कैशबैक देखने मिलेगा गो पैसा अकाउंट में, डेफिनेटली चेकआउट करना। अब चलते हैं हमारे वीडियो की ओर, बेस्ट एक्सक्लूसिव लैपटॉप फ्रॉम ₹30,000 टू ₹50,000। लिस्ट का जो पहला लैपटॉप है ये है एसर एक्सटेंजा 15। गाइस ये लैपटॉप ऑलमोस्ट 32,000 पे हम रेकमेंड करते थे, उसके बाद ये अंडर 30,000 सेगमेंट में मिलने लग गया था। अभी जो इसकी प्राइस है वो 28,999 हो रखी है, बेस्ट है इस प्राइस पॉइंट पे भी। फिर भी गाइस सेल के दौरान ये लैपटॉप आपको देखने मिलेगा 25,999। उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये लैपटॉप गाइस एक ब्लाइंड बाय होगा, उसके ऊपर अगर कार्ड ऑफर भी अप्लाई करते हो तो आपको 1-2 हज़ार और ऑफ देखने मिल जाएंगे। राइजन 3 7320U प्रोसेसर देखने मिलता है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, 4 कोर 8 थ्रेड एट 26,000 प्राइस पॉइंट। गाइस इतना अच्छा प्रोसेसर आपको शायद ही देखने मिलेगा, यूजुअली राइजन 3 3000 सीरीज का प्रोसेसर मिलता है 25,000 में, यहाँ पर आपको 7000 सीरीज का देखने मिल रहा है। 8 GB के LPDDR5 RAM दी गई है, ये भी लेटेस्ट है 4800 MHz की, पर एक चीज़ है इसे आप एक्सपांड नहीं कर सकते फ्यूचर में, मोस्ट प्रोबेबली जो 25,000 में लैपटॉप अवेलेबल होगा उसमें आपको 256 GB वेरियंट देखने मिलेगा। आपको अगर 512 चाहिए तो गाइस थोड़े पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। 15.6 इंचेस का डिस्प्ले देखने मिलता है, एसर कॉम्फीयू पैनल है ये, फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आता है, AMD रेडॉन के ग्राफिक्स, इसमें आपको 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप आराम से देखने मिल जाएगा। एक ही ड्रॉबैक है इस लैपटॉप में, आपको MS Office प्री इंस्टॉल नहीं देखने मिलता, आपको बाहर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये एक चीज़ के अलावा बाकी सारी चीज़ें परफेक्ट है इस लैपटॉप में। गाइस मोस्ट रेकमेंडेड लैपटॉप होगा इस सेल में जिसको भी अंडर 30,000 खरीदना है। अब जिनका भी बजट 35,000 रुपीज़ है तो इस प्राइस पॉइंट पर लेनोवो V15 खरीद सकते हो, राइजन 5 5500U प्रोसेसर के साथ। ये लैपटॉप ऑलमोस्ट 38,000 पे हम रेकमेंड करते थे, अभी सेल के दौरान 34,999 पे आपको ये देखने मिलेगा, उस प्राइस पॉइंट पे बेस्ट बाय है। प्रोसेसर काफ़ी तगड़ा है, 6 कोर 12 थ्रेड का ये प्रोसेसर है। एट द सेम टाइम डिस्प्ले यहाँ पर डिसेंट देखने मिलता है, 15.6 इंचेस का TN पैनल दिया गया है, एंटी ग्लेयर पैनल है ये, 45% NTSC और 250 निट्स की इसकी ब्राइटनेस है। गाइस इस लैपटॉप में आपको AMD रेडॉन के ग्राफिक्स देखने मिलते हैं, 8 GB की रैम है, एक्सपांड कर सकते हो 16 GB तक, 512 GB की SSD है, अगेन एक एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है, एक्सपांड कर सकते हो। और इस लैपटॉप में भी आपको MS Office नहीं देखने मिलता, बाकी सारी चीज़ें परफेक्ट है, बैटरी बैकअप भी अच्छा है, इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दी गई है, 1 घंटे में ये 80% चार्ज हो जाता है। सो ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा है एट 35,000 प्राइस पॉइंट। ये जो सेम लैपटॉप है लेनोवो V15, उसमें आपको एक इंटेल वेरिएंट भी देखने मिलता है सेम प्राइस पॉइंट पे 35,000 रुपीज़ में, आपको अगर i3 1215U देखने मिले तो खरीद सकते हो, ये भी परफेक्ट है, बाकी सारी स्पेसिफिकेशन सेम है, सिर्फ प्रोसेसर में डिफरेंस है। आपको अगर राइजन के साथ जाना है तो राइजन 5500U अच्छा है, अगर इंटेल के साथ जाना है तो 1215U भी डेफिनेटली अच्छा है इस प्राइस पॉइंट पे। अब गाइस जिनको भी डेल या फिर HP का लैपटॉप ही खरीदना है तो कम से कम ₹40,000 आपको खर्च करने पड़ेंगे। डेल का जो लैपटॉप है पहले अगेन i3 1215U प्रोसेसर के साथ आता है, 38,999 प्राइस पॉइंट पे ये लैपटॉप अवेलेबल है। इस प्राइस पॉइंट पे आप अगर खरीदते हो तो अगेन ये बेस्ट बाय होने वाला है। नॉर्मली जो डेल लैपटॉप्स होते हैं उनमें जो डिस्प्ले देखने मिलता है वो WVA पैनल होता है। सो 15.6 इंचेस का एंटी ग्लेयर WVA पैनल दिया गया है, 250 निट्स की ब्राइटनेस और 120 Hz का रिफ्रेश रेट। ये एक चीज़ गेम चेंजर है गाइस, अंडर 40,000 में आपको 120 Hz का रिफ्रेश रेट शायद ही कोई और लैपटॉप प्रोवाइड कर रहा है। इसमें जो प्रोसेसर अगेन 1215U है, 6 कोर 8 थ्रेड फीचर करता है,
8GB की DDR4 RAM देखने मिलती है, एक्सपांडेबल है 16GB तक, और 512GB की SSD है, ये भी एक्सपांडेबल है। यहाँ पर जो RAM यूज़ की गई है वो 2666 MHz की है। Intel की USD ग्राफिक्स देखने मिलता है, MS Office 2021 का सब्सक्रिप्शन आपको लाइफ टाइम देखने मिलता है, 4 घंटे का बैटरी बैकअप ये लैपटॉप आराम से निकाल के देता है, सारे पोर्ट्स प्रेजेंट है। डेल का लैपटॉप ही खरीदना है तो अंडर 40,000 बेस्ट ऑप्शन है। अब जिन्हें भी HP का लैपटॉप ही खरीदना है तो HP में आपको दो ऑप्शंस देखने मिल जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन HP 15S, 40,999 प्राइस पॉइंट पे ये लैपटॉप अवेलेबल है, उस प्राइस पॉइंट पे अगर देखने मिले तो बेस्ट बाय है, खरीद सकते हो। जो स्पेसिफिकेशन है वो i3-1215U है, अगेन सेम प्रोसेसर है 6 कोर 8 थ्रेड का, 8GB की DDR4 RAM है, एक्सपांडेबल है फ्यूचर में, 512GB की SSD ये भी एक्सपांडेबल है। डिस्प्ले यहाँ पर अगेन 15 इंचेस का देखने मिलता है। कौन सा पैनल HP यूज़ करती है वो कभी स्पेसिफाई नहीं करती, डिसेंट आपको पैनल देखने मिल जाता है, एंटी ग्लेयर पैनल है ये। इंटेल की USD ग्राफिक्स देखने मिलता है, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है, और गाइस 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप HP क्लेम करता है, बट 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप ये आराम से निकाल के देगा, और 1.6 kg इसका वेट है। गाइस ये जो लैपटॉप है सेम स्पेसिफिकेशन के साथ Ryzen में भी अवेलेबल है, Ryzen 5 5500U प्रोसेसर के साथ, तो आपको जो सही लगे खरीद सकते हो एट 40,000 प्राइस पॉइंट। जो Ryzen के साथ आता है वो 42,000 पे अवेलेबल है, और जो Intel वेरिएंट है वो 4990 पे अवेलेबल है। इस प्राइस पॉइंट पे आपको अगर देखने मिले तो बेस्ट बाय है। अब जिन्हें भी लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ लैपटॉप खरीदना है तो 44,000 प्राइस पॉइंट पे आपको एक लैपटॉप बताना चाहूँगा, MSI का गाइस Ryzen 5 7530U प्रोसेसर फीचर करता है, काफ़ी लेटेस्ट प्रोसेसर है ये, 6 कोर 12 थ्रेड फीचर करता है, 16GB की RAM देखने मिलती है, फर्दर एक्सपांड नहीं कर सकते, 512GB की SSD है, इसे एक्सपांड कर सकते हो। 14 इंचेस का IPS पैनल दिया गया है, IPS लेवल पैनल दिया गया है, और इसका जो डिस्प्ले है वो फुल HD रेजोल्यूशन फीचर करता है, 45% NTSC। अब 14 इंच स्क्रीन साइज के साथ ये लैपटॉप आता है, सो कॉम्पैक्ट है, कहीं पर भी कैरी करना है तो सिर्फ 1.4 kg वे करता है। गाइस इसमें बाकी सारी चीज़ें भी लेटेस्ट है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2, वाईफाई का भी लेटेस्ट सपोर्ट देखने मिलता है, और 1 साल की वारंटी इस लैपटॉप के साथ आती है। डेफिनेटली खरीद सकते हो, जिन्हें भी 14 इंच स्क्रीन साइज का लैपटॉप खरीदना है तो ये एक तगड़ा ऑप्शन है। अब जिनका भी बजट 50,000 रुपीज़ है तो गाइस थोड़ा सा आप अगर बजट एक्सटेंड करते हो 52,000 रुपीज़ तक तो एक बेस्ट मशीन बताता हूँ, इसका नाम है HP Pavilion 14। अगेन 14 इंच स्क्रीन साइज के साथ आता है, बट HP का Pavilion सीरीज का लैपटॉप है, सो प्रीमियम फीचर्स लाते हैं अपने साथ, और जो प्रोसेसर है वो भी तगड़ा है, गाइस Ryzen 5 5625U प्रोसेसर के साथ आता है। Amazon पे इसके 500-600 से ज़्यादा यूनिट्स बिके हैं, और गाइस Flipkart की बात करें तो 900 से ज़्यादा यूनिट्स बिके हैं, काफ़ी पॉपुलर लैपटॉप है, डेफिनेटली खरीद सकते हो। गाइस प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, एट द सेम टाइम जो डिस्प्ले देखने मिलता है वो प्योर IPS पैनल दिया गया है 14 इंच स्क्रीन साइज के साथ, 250 निट्स की ब्राइटनेस देखने मिलती है, 45% NTSC, 8GB RAM देखने मिलता है, 16GB तक एक्सपांडेबल है, 512GB की SSD ये भी एक्सपांडेबल है फ्यूचर में, AMD Radeon के ग्राफिक्स देखने मिलते हैं, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है, और इस लैपटॉप का जो बैटरी बैकअप है वो 5 से 6 घंटे लास्ट करता है। अगेन जिन्हें भी प्रीमियम लैपटॉप खरीदना है 14 इंच स्क्रीन साइज के साथ तो बेस्ट लैपटॉप है एट 52,000 प्राइस पॉइंट। ये सेम लैपटॉप आपको अगर 15 इंच स्क्रीन साइज के साथ खरीदना है तो ऑलमोस्ट 57-58,000 प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है इसका फुल स्क्रीन वाला वेरिएंट। वो उतना वैल्यू फॉर मनी मुझे नहीं लगता, बट ये जो 14 इंच स्क्रीन साइज के साथ आता है लैपटॉप डेफिनेटली काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। ये थे कुछ बेस्ट ऑप्शंस फ्रॉम 30,000 to 50,000। हर एक सेगमेंट में गाइस एक दो ही लैपटॉप कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारे लैपटॉप अगर कवर करते हैं हर एक सेगमेंट में तो थोड़ी कन्फ्यूजन बढ़ जाती है, इस वजह से एक एक लैपटॉप कवर किया। आपको अगर हर एक सेगमेंट में डेडिकेटेड वीडियो चाहिए फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव की तो कमेंट करके बताना किस प्राइस पॉइंट पे हमें वीडियो बनानी चाहिए अगली, और कुछ भी कन्फ्यूजन हो लैपटॉप रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम ज़रूर हेल्प करेंगे।